स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल। माय नेम इज चौधरी श्वेता, स्टैंडर्ड फर्स्ट, चैप्टर नंबर 10, क्लोथ्स। नेक्स्ट जो लेक्चर में उसमें हमने आधा चैप्टर देख लिया था। हमने कहाँ तक देख लिया था? नेक्स्ट लेक्चर में क्लोथ्स फॉर द समर सीजन। अब हम कहाँ पे देखेंगे? क्लोथ्स फॉर द विंटर सीजन। क्लोथ्स फॉर द विंटर सीजन। We wear woolen clothes in a winter. They keep us warm. ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? Clothes for the winter season. Winter season में हम कौन से clothes पहनते हैं? ठीक है, clothes for the winter season. Winter season में हम कौन से clothes पहनेंगे वो हम देखेंगे। We wear woolen clothes in winter. They keep us warm. हम winter में कौन से clothes पहनते हैं? Woolen clothes. ठीक है, विंटर में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स। वो हमें क्या रखते हैं? वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। ठीक है, और समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, वो हमें क्या रखते हैं? कूल रखते हैं। ठीक है, और विंटर में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स, और समर में कॉटन क्लोथ्स। और वुलन क्लोथ्स हमें क्या रखते हैं? वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। क्लोथ्स फॉर द रेनी सीजन। अब रेनी सीजन के लिए कौन कौन से क्लोथ्स होते हैं? वी वियर रेन कोट एंड जंप बूट्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ। रेनी सीजन में हम कौन कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? रेन कोट पहनते हैं, जंप बूट्स पहनते हैं। वो हमें क्या रखते हैं? प्रोटेक्ट रखते हैं। कौन? रेनकोट और जंप बूट्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट इन द रेनी सीजन। हम रेनकोट और जंप बूट्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि प्रोटेक्ट रखने के लिए, क्योंकि बारिश के सीजन में हम कहीं भीग ना जाए, ठीक है, गीले ना हो जाए। वी ऑल्सो कैरी अन अम्ब्रेला। हम क्या लेते हैं? अम्ब्रेला भी लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें पिक्चर दिया गया है। वी ऑल्सो कैरी ऑन अम्ब्रेला। हमें क्या चाहिए होता है? अम्ब्रेला भी चाहिए होता है। अब देखेगा, वापस से हम देख लेते हैं क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन। हर सीजन के लिए अलग अलग क्लोथ्स। तो फर्स्ट, समर सीजन में हम क्या पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स। वो हमें क्या रखते हैं? कूल रखते हैं। ये देखो, विंटर सीजन में हम क्या पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स। ठीक है, वो हमें क्या रखते हैं? वार्म रखते हैं। रेनी सीजन में देखो, विंटर का हमें दिया गया है। रेनी सीजन में हम रेनकोट पहनते हैं, जंप बूट्स पहनते हैं। वो हमें भीगने से बचा देता है, गीले होने से बचा लेते हैं। और साथ में हम क्या लेते हैं? अम्ब्रेला भी अपने साथ लेते हैं। Draw the picture of clothing items you need a wear in summer and winter season. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दी गई है? एक एक्टिविटी दी गई है। क्या दी गई है? एक्टिविटी दी गई है। ये जो एक्टिविटी है उसमें हमें आपको क्या बोला गया है? आपको यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करने हैं। समर में आप क्या पहनते हो और विंटर में क्या पहनते हो? समर और विंटर में आप कौन से कपड़े पहनते हो, वो आपको इधर ड्रॉ करना है। तो ये क्या रहेगा? आपका सेल्फ। सेल्फ मतलब होमवर्क। ठीक है, ये एक्टिविटी क्या रहेगी? आपकी होमवर्क में रहेगी। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? फिल इन द ब्लैंक्स। वी वियर ब्लैंक टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम रेन। ठीक है, तो हम क्या पहनते हैं? रेन कोट। ठीक है, अगर हमें रेन से बचने के लिए हमें क्या पहनना चाहिए? रेन कोट पहनना चाहिए। वी वियर ब्लैंक क्लोथ्स इन विंटर। विंटर में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? कौन से पहनते हैं विंटर में? वुलन। ठीक है, वुलन क्लोथ्स।
डेस क्लोथ्स कीप कूल इन समर, समर में हमें कौन से क्लोथ है जो हमें कूल रखते हैं, कौन से क्लोथ हैं जो हमें कूल रखते हैं, कॉटन, क्या आएगा यहाँ पे, कॉटन। फर्स्ट देखो, वी वियर ब्लैंक टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, हमें रेन सीजन से किसके क्या बचने के लिए पहनना चाहिए, रेनकोट। सेकेंड, वी वियर ब्लैंक वूलन इन, तो वूलन क्लोथ्स पहनते हैं हम विंटर में, और समर में हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं। देयर आर ब्लैंक एंड ब्लैंक क्लोथ्स फॉर ब्लैंक सीजन, ये क्या रहेगी आपकी, इसमें एक जो है वो आपका होमवर्क रहेगा, फोर्थ वाला, ठीक है, और ये एक्टिविटी भी आपकी होमवर्क रहेगा, ये तीन आप लिख दीजिए। नेक्स्ट क्या है, केयर फॉर क्लोथ्स, केयर फॉर क्लोथ्स, हमें क्या कौन कौन सी चीजें जो हमें केयर रखनी चाहिए अपनी क्लोथ्स की, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक गुड केयर ऑफ योर क्लोथ्स, ये बहुत ही जरूरी है हमें अपने क्लोथ्स की केयर करना, ठीक है। फर्स्ट, वॉश योर क्लोथ्स एंड कीप देम नीट एंड डर्टी, ठीक है, हमें अपने क्लोथ्स को क्या करना है, क्लोथ्स को हमें वॉश करना है, उसे नीट एंड टाइडी रखना है, ठीक है, हमेशा अपने क्लोथ्स को क्या करो, वॉश किया करो। सेकेंड, वी वियर आयरन क्लोथ्स, हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए, आयरन, जो जो इस्त्री किए हुए कपड़े हमें पहनने चाहिए। फोर्थ, थर्ड नंबर, कीप देम नीटली एंड इन द कबोर्ड, हमें उसे कबोर्ड में साफ सुथरा रखना चाहिए, तो ये तीन चीज थी जो हमें अपने कपड़ों के साथ गुड हैबिट है। नेक्स्ट हमें एक्टिविटी दी गई है, मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट नंबर, वी शुड टेक गुड, तो वी शुड टेक गुड, तो क्या आएगा, आयरन क्लोथ्स, केयर ऑफ योर क्लोथ्स, नीट एंड क्लाइन, नीट एंड टाइडी, ठीक है। देखो सेकंड में क्या दिया, कीप योर क्लोथ्स, ठीक है, कीप योर क्लोथ्स, ये तो थर्ड है वियर, ये तीनों ही चीज़ हमने क्या की हैं, पढ़ चुकी हैं, ठीक है, तो वी शुड टेक गुड केयर अवर क्लोथ्स, तो ये यहाँ पे मैच हो जाएगा, कीप योर क्लोथ्स नीट एंड टाइडी, वियर आयरन क्लोथ्स, ठीक है, ये तीनों चीज़ हमने पढ़ चुकी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी बुक में इसका आंसर लिख देना। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, की टर्म्स दिया है, दो की टर्म्स दिया है, कॉटन क्लोथ्स एंड वुलन क्लोथ्स, तो ये दोनों आपको क्या करना है, आपकी बुक में लिखना है, तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ओवर होता है, थैंक यू।